بسم الله الرحمن الرحيم وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب इस आयत से पहले साबिका आयत में जिक्र था, दीन एक ही है, अल्लाह को वहदहु ला शरीक, अल्लाह के कामों के साथ अल्लाह को जानना, उसी काम को अल्लाह के सिफात कहते हैं, वही अस्माए हुस्ना जो वही है, उसी की हकीकत और तफसील अल्लाह ताला के इस कलाम पाक में, उस पर यकीन रखने के बाद ज़िंदगी में प्रैक्टिकली अमली तौर पर हर शोबे में उन चीज़ों को करके दिखलाना बतलाना, उसकी वजाहत हो गई थी पैगंबर नूह अलैहिस्सलाम से लेकर हज़रत इब्राहिम का तस्किरा, हज़रत मूसा का तस्किरा, हज़रत ईसा का तस्किरा, खुद हमारे पैगंबर अलैहिस्सलाम का तस्किरा, अल्लाह ताला के इस मुकद्दस किताब उसके ज़रिए से पेश किए गए अहकाम। तो फिर आखिरुज़्ज़मा पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद के बाद और आमद की खबर अचानक नहीं थी, नई बात नहीं थी, अल्लाह ताला ने सबसे पहले पैगंबर से लेकर हर भेजे गए पैगंबर के ज़रिए से एक आखिर पैगंबर आएगा, उसका भी यकीन का ऐलान करो, तस्दीक भी करवाते रहे थे, सारी के सारी चीज़ों की तफसील कर दी गई थी, साबिका किताबों में भी तस्किरा था। वो पैगंबर कैसे होंगे, उनकी कैफियत कैसी होंगी, उनकी सिफत कैसी होंगी, उनकी आदत और तरीक़े ज़िंदगी कैसी होगी, तौरात में भी ज़िक्र था, इंजील में भी ज़िक्र, हर मुक़द्दस किताब में अहमद के नाम से, आपके भी नाम मुख्तलिफ हैं, हिब्रू ज़बान में तौरात में बारकलीत के नाम से, जिसका अरबी तर्जुमा अहमद, ये मुशरिकों के पास की जो मुक़द्दस किताब का जो दावा है उसके अंदर भी है, एक बंदा ऐसा आएगा, ऐसा होगा जिसका नाम अमिताभ होगा, जिसके माने अहमद के हैं। अलगरस ये सब हो गई थी बात, तो अब कौम अलग अलग क्यों हो गई, क्या इस दीन को गलत समझती है, ऐसा नहीं है। वमा तफर्रकू, ये सारे के सारे फ़िरका बंदी में जो बैठ गए, इख्तलाफ और मुखालिफत में आ गए, एक तरफ से यहूद, एक तरफ से नसरानी, एक तरफ से मजूसी, एक तरफ से मुशरिकीन, ये सब अल्लाह ताला ने पीछे जाओ, आवाज आती, सारे चीज़ों के हकायक दलाइल को पेश कर कर जिसका यकीन भी किया था, एतिकाद भी रखते थे, बल्कि आमद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतज़ार भी रहा, ये सारे हकायक के बाद फिर ये जुदा हो गए। वजह, हमारी दुनिया की सियासत में फ़र्क पड़ेगा, हमारी शान और शौकत, जलाल और अजमत जो हमारे ख़ानदानों से चली आ रही है, अचानक सारे के सारी चीज़ें अपने हाथ से चले जाएंगे,
यानी दुनियावी अगराज व मकासद के बुनियाद के ऊपर हक को गलत कहते चले जाओ। ठीक है, मानने वालों ने माना, यहूदी भी ईमान लाए, ईसा भी ईमान लाए, आज भी यक्का दुक्का सही लाते रहते हैं। अब तकाजा यह था कि अल्लाह ताला का अज़ाब ऐसा ही नाजिल कर दिया जाए जैसा कि साबिका कौमों में इनकार के बाद सारे के सारे कौमों को हलाक व बर्बाद करते रहे। तो अल्लाह का इरशाद है, ये अल्लाह ताला का फैसला पहले हो चुका है। शान और फजीलत पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिस कौम में आप हैं उस कौम को एक मुसलसल एक आम अजाब देकर पूरी कौम को बर्बाद नहीं करी। अजाब आए तो सब के सब एक साथ जाएंगे, ऐसा अजाब नहीं भेजेंगे। हदीस में वजाहत है, हाँ ये होगा, इलाकावारी चलते रहेंगे। आज भी सारी दुनिया कोशिश कर रही कर लो, लेकिन एक साथ सारे के सारे इस्लाम को, इस्लाम के कबूल करने वालों को, कि कोई भी एक भी बाकी ना रहे, ऐसा ख़त्म किए जाने का मौका नहीं आएगा। लेकिन दूसरे चीज़ें आते रहेंगी, मसाइल और मशक्क़तें आते रहेंगी। इसलिए ईमान से जुड़े हुए अफराद को ईमान पर साबित कदमी के साथ टिकने, आने वाली रुकावटों पर सब्र से काम लेते रहने, लेकिन ईमान और दीन को अपने हाथ से हरगिज़ जाने न दिया जाए। तो इसलिए अल्लाह का इरशाद है, अगर ये अल्लाह ताला का फैसला जो पहले कर चुके हैं अल्लाह ताला ना होता तो लखुजिया बनो कभी का ख़त्म कर देते थे। लेकिन अब मर्जी है कि जिनके जितने उम्र लिख दी गई है फितरी उम्र हर शख्स पूरी करता चलेगा। वाइनल्लज़ीना उतुल किताबा अबरा अहले किताब, सारे ज्यूस यानी यहूदी क्रिश्चन नसरानी और दीगर जो भी अहले किताब में आते हैं, ये सब के सब इसके बावजूद भी इसके अंदर शक व शुबा पैदा करते हैं, फिर उनके बड़े पैदा करने की वजह से ये शक व शुबे के अंदर आ जाते हैं। तो ईमान वालों को एक हकीकत जाहिर कर दी गई, वजह मुखालिफत क्या है, क्या गलत प्रोपेगंडे में तुम अपने दीन में कमज़ोर हो जाओगे? और दूसरों के लिए ये शकूक और शुबहात लोगों की जानिब से पैदा करदा हैं, अल्लाह ताला की मर्ज़ी चाहते हो, लिल्लाह या चाहते हो, तो उस हकीकत को इख्तियार कर कर तौबा का दरवाज़ा खुला हुआ है, अल्लाह ताला की रजामंदी के साथ जुड़ते चलो। अब अगली आयत में इस तरीक़े को मुसलमानों के लिए कैसा पेश करना, मुखालिफत करने की शक्ल में क्या शक्ल इख्तियार करना, उसकी तवील तफसील अगले आने वाली आयतों से जिक्र में आएगी। सुभान अल्लाह।